इस शाहीन स्कूल का फॉर्मूला अगर सारे देश के सभी विद्यालय के जो भी चलाते हैं, इसके कारण हजारों हजारों बच्चे आत्मविश्वास से देश के लिए, परिवार के लिए, स्कूल के लिए काम के लायक बन के निकलेंगे। इसी कारण से स्कूल गए ही नहीं है, वैसे बच्चों को एजुकेशन देना होता है। तो रोटरी, बीदर रोटरी, ये आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया है। आने वाला 1 मार्च से पहला हम एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटरी और शाहीन के कोऑपरेशन में। हम इसको मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बड़ा स्कूल का अपना एक AICU हो। हम इनवाइट करेंगे स्कूल मैनेजमेंट से, मुल्क भर से वो आए, इस कॉन्सेप्ट को समझें और स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट होने से बचाएं और ड्रॉप आउट स्कूल को वापस स्कूल से जोड़ने के लिए इस कॉन्सेप्ट का भरपूर इस्तेमाल करें। बीदर शाहीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बीदर जिले का जो शैक्षणिक जो डेवलपमेंट है उसमें उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। पिछले कुछ दिनों पहले एक रोटरी सेमिनार के सिलसिले में मैं शाहीन को विजिट किया था। यहाँ पर आकर के मुझे एक नया थॉट, एक नया आइडियोलॉजी, एक नया प्रैक्टिकल, एक रेवोल्यूशनरी काम देखने को मिला। वही है AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। शाहीन के जो चेयरमैन हैं अब्दुल खदीर साहब, उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर स्कूल कभी स्कूल ही नहीं गए, समाज में ऐसे बच्चों को हम बहुत देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत बच्चों को देखते हैं, वैसे बच्चों को ला करके उन्हें इस AICU में, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में विशेष कोचिंग दे करके 6 बच्चों को एक टीचर सिखाने का एक सिस्टम है। उस सिस्टम में उस बच्चे को कोचिंग दे करके ऐसा तैयार करना, हर सिलेबस में उसको तैयार करना, कर करके फिर 10th स्टैंडर्ड में उसका एडमिशन करवा के फिर उसको मेन स्ट्रीम को लाने का उनका जो ये आइडियोलॉजी है, बहुत ही अच्छा है। इसे करने से समाज में जो बच्चे बहुत रीजनों से स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर किसी कारण से स्कूल गए ही नहीं है, वैसे बच्चों को एजुकेशन देना होता है। तो रोटरी, बीदर रोटरी, ये आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया है। आने वाला 1 मार्च से पहला हम एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटरी और शाहीन के कोऑपरेशन में। ये जो 50 बच्चों का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा। रोटरी की तरफ से हम फूड एंड अकोमोडेशन दे रहे हैं, शाहीन टीचर्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये दोनों मिलकर के हम एक पहला ये एक प्रायोगिक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से, आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई बच्चे हैं तो कृपया उन्हें इस सेंटर में भेजिए, हम इनका भविष्य बनाने में हम सभी का सहयोग चाहिए। थैंक यू। सामान्यतः भारत के अंदर पढ़ाई के अंदर जो बच्चों की पढ़ाई की स्तर है, अगर वो लड़का 5वीं क्लास में पढ़ता है, 100 बच्चे 5वीं में हैं, तो उनकी पढ़ाई करने की कैपेबिलिटी पहली स्टैंडर्ड का होता है कम से कम 80 बच्चों का। ये आज भारत सरकार का अध्ययन बताता है। इसके कारण बच्चे में एक प्रकार का क्लास में इन्फीरियर फीलिंग करता है, डिप्रेशन में जाता है और वो मजाक के लायक बन सकता है। समाज के अंदर और विद्यालय में भी निर्माण होते हैं। इसको दूर करने के दृष्टि से शाहीन एजुकेशन सोसाइटी बीदर का जो है, अपनी 30 साल के अध्ययन के बाद एक सुंदर नुस्खा या दवाई उन लोगों ने ढूंढा है, जिसके द्वारा वो मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, इंग्लिश हो सकता है, मातृभाषा हिंदी, तेलुगु, तमिलु, जो भी भाषा हो सकता है, जिस भाषा में उसको पढ़ना है, वो 2 भाषाएं, 1 मैथमेटिक्स, ये तीनों में 3 महीने में इम्प्रूव करा के वो रूटीन अपने स्कूल के अन्य बच्चों के साथ जाके बैठ सकता है। इसके कारण उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर देश का हर बच्चा वास्तव में 10वीं क्लास पास करता है। ये जो ढकेल कर 10वीं क्लास पास करना है,
ये खत्म हो जाता है। फिर एक बार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो फिर वो जो रोते हुए बैठा था पांचवी में, सातवीं में, आठवीं में, वो एक बार टेंथ क्लास करके निकलेगा तो अन्य विद्यार्थियों के साथ भी कंपटीशन में आगे आएगा, या कम से कम अपने जीवन में इज्जत से जीने का तो वो सीखेगा। क्योंकि इंसान को जीने के लिए एक आत्मविश्वास की जरूरत रहती है, जो बचपन में नहीं होने के कारण खुद भी परेशान होता है, घर में माँ बाप से गालियाँ खाता है, स्कूल में टीचर से गालियाँ खाता है, जिसके कारण वो उसको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे जैसा नालायक कोई नहीं है। लेकिन इन सब से पार होकर इज्जत की जिंदगी के लिए इस शाइन स्कूल का फॉर्मूला अगर सारे देश के सभी विद्यालय के जो भी चलाते हैं, पहली क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक, बीच में पांचवी, छठवीं, सातवीं, कौन से भी क्लास में ड्रॉप आउट है तो यहाँ आइए, उनसे कुछ समझिए, फिर आप अपने स्कूल में इसको लागू कीजिए, अपने तहसील में एक सेंटर बना के लागू कीजिए। इसके कारण हजारों हजारों बच्चे आत्मविश्वास से देश के लिए, परिवार के लिए, स्कूल के लिए काम के लायक बन के निकलेंगे। ये काम हो, मैं ऐसे प्रार्थना करते हुए शाहीन शिक्षण संस्था को मेरी दिल से बधाई देता हूँ इस प्रयोग के लिए। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर के लास्ट 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से हम एक वेरी स्पेशल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं और उसका नाम रखे हैं एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी एकेडमिक आईसीयू। हॉस्पिटल्स में आईसीयू होता है, यहाँ स्कूल में हमारे एआईसीयू है। और यहाँ पर वो बच्चे जो मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस में वीक चल रहे हैं अपनी क्लासेस में, और उनको वहाँ से निकाल कर एआईसीयू में लाया जाता है। वहाँ पर एक टीचर और 6 स्टूडेंट होते हैं और वहाँ पर हर स्टूडेंट की जहाँ तक वो आता है वहाँ से आगे बढ़ाते हुए पढ़ाते हैं, और आमतौर पर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ठीक करके स्टूडेंट्स वापस अपनी क्लास में जाते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट से इंजॉय करते हैं। और इसका रिजल्ट ये निकला कि शाहीन के मुल्क भर में ब्रांचेस में ऑल टुगेदर 25,000 स्टूडेंट्स ट्यूशन फ्री हैं, किसी स्टूडेंट्स को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जब ये हमारे पास AICU था तो कुछ ड्रॉप आउट हमारे पास अप्रोच करे, हम उनको मौका दिए, ड्रॉप आउट सक्सेसफुल होना शुरू करे, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, मैनेजर बने हैं, बेहतरीन इंजीनियर हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। सबसे पहले बीदर रोटरी क्लब के सपोर्ट के साथ बीदर रोटरी एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट इस्टेब्लिश हो रहा है, जहाँ पर शाहीन अपने टीचर्स भेजकर स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़े हैं, ड्रॉप आउट हैं, 2-4 साल से छोड़ दिए हैं, लॉकडाउन में ड्रॉप आउट हो गए हैं, उनको रोटरी क्लब रहने का, खाने का इंतज़ाम करेगा, टीचर्स का इंतज़ाम शाहीन ग्रुप करेगा, और उनको 3 महीने में 10th स्टैंडर्ड में बैठने समझने के काबिल बनाकर उनको किसी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में उनको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ये सेंटर 1 मार्च को बीदर में शुरू हो रहा है और एंड ऑफ मई तक ये चलेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स को किसी स्कूल्स में, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में हम एडमिशन कराएंगे। इसी तरह कर्नाटका के एक बहुत ही बड़े सोशल वर्कर बसवराज पाटिल सेडमकर साहब इस कॉन्सेप्ट को देखे हैं और बहुत पसंद किए हैं। वहाँ सेडम में एक सेंटर बहुत जल्दी उनकी निगरानी में शुरू होगा, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। हम इसको मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बड़ा स्कूल का अपना एक AICU हो। हम इनवाइट करेंगे स्कूल मैनेजमेंट से, मुल्क भर से, वो आएँ, इस कॉन्सेप्ट को समझें और स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट होने से बचाएं, और ड्रॉप आउट स्कूल को वापस स्कूल से जोड़ने के लिए इस कॉन्सेप्ट का भरपूर इस्तेमाल करें।